बोल क्लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को खत्म कर देना चाहती है। आज बोल क्लब आजाद है तेरे में मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर बीजेपी उद्धव ठाकरे से इतनी नफरत क्यों करती है? आखिर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को खत्म क्यों कर देना चाहती है? इसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं जब मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई गई थी ऑनलाइन बुल्ली और सुल्ली डील्स के जरिए, तो किस सरकार ने उन पर एक्शन लिया था? जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने बुल्ली और सुल्ली डील्स में जिसमें मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई गई थी उसमें गिरफ्तार किया था महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले के आरोपियों को। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के दो अहम चेहरे हैं, पहला कंगना रनावत और दूसरा रिपब्लिक न्यूज के जो संपादक हैं अर्नब गोस्वामी। पिछले 5-6 सालों में इन दोनों ने बीजेपी के प्रचार को आगे करने में या बीजेपी का प्रचार तंत्र बनने में या बीजेपी का आईटी सेल बनने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं किया, थोड़ी सी भी हिचक नहीं दिखाई। अर्नब गोस्वामी, करीब एक हफ्ते तक उद्धव सरकार ने इस व्यक्ति को जेल में रखा था, न सिर्फ जेल में रखा था, टीआरपी घोटाले में भी इस आदमी पर एक नहीं दो दो चार्जशीट है। और कंगना रनावत, बीएमसी ने इनके दफ्तर के एक हिस्से को बुलडोजर से तोड़ दिया था। आपके स्क्रीन पर नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा के खिलाफ इस वक्त देश में सिर्फ दो जगह पर एफआईआर है, एक ममता बैनर्जी के पश्चिम बंगाल में और दूसरा उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में। जब ये तमाम चीजें हो रही हों तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे से नफरत लाजमी हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुसलमान महिलाओं की बोली लगाई जाती है और देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, देश के गृह मंत्री खामोश रहते हैं, और उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से निकल कर आए हैं वो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं, उन लोगों को हिरासत में लेते हैं जिन्होंने मुसलमान महिलाओं की शर्मनाक बोली लगाई थी। सभ्य समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इसकी आलोचना करेगा और जाहिर सी बात है उस मुद्दे को लेकर लगातार भक्तों के, भाजपा प्रचार तंत्र के और भाजपा नेताओं के निशाने पर उद्धव ठाकरे थे। ये बात भूल जाइए, कोरोना की लहर याद है कि नहीं आपको? कोरोना की लहर के दौरान जब भी आंकड़े आते थे तो महाराष्ट्र नंबर एक पर होता था, मगर क्या आप जानते हैं कोरोना की दूसरी लहर में जब उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में लोग ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी की वजह से मर रहे थे, तब महाराष्ट्र में लगभग सुचारू ढंग से काम चल रहा था। बाकायदा अदालतों ने, एजेंसीज ने उद्धव ठाकरे सरकार की काम की तारीफ की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोविड को लेकर वहां रामराज चल रहा था, दिक्कतें थी, मगर उद्धव ठाकरे ने आलोचकों के खिलाफ कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं किए। जबकि आप जानते हैं कि आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में तो जब लाशों को जलाया जा रहा था तो उसे पर्दे से ढका जा रहा था, गंगा में लाशें बह रही थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोककर कहा था कि हिंदू जो हैं वो अपने रीति रिवाज से अपने परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। गुजरात में एक एक अर्थी पर तीन तीन लोगों को जलाया जा रहा था। अहमदाबाद में अस्पतालों की बुरी हालत थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। यहां उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद में बद से बदतर हालात थे, दिल्ली के हालात थे, मगर आप ऐसी तस्वीर महाराष्ट्र से नहीं देखते थे। मैं फिर कह रहा हूं वह हालात कोई बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे, मगर कभी भी उद्धव ठाकरे ने ऑक्सीजन मांगने वाले पर एफआईआर दर्ज नहीं किया, पुलिस ने केस नहीं किया और यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप बताइए ना, ऐसे शख्स से तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को नफरत होगी। एक और सवाल पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र और आम मराठी जो होता है हिंदू धर्म के प्रति उसकी कट्टर आस्था रही है, मगर आपने देखा होगा महाराष्ट्र के किसी भी शहर में
कोई भी भड़काऊ धर्म संसद नहीं हुई। यह धर्म संसद और हिंदू महापंचायत कहां हो रही थी? हरिद्वार में हो रही थी, रुड़की में हो रही थी, उत्तर प्रदेश में हो रही थी। यही नहीं, छत्तीसगढ़ तक में कालीचरण महाराज ने भड़काऊ बयान दिए थे महात्मा गांधी के खिलाफ। दिल्ली में हिंदू महापंचायत हुई थी, जंतर मंतर में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए गए थे। ऐसी कभी भी कोई भड़काऊ धर्म संसद वहां नहीं हुई। और जब नुपुर शर्मा ने भड़काऊ बयान दिए थे हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ, तो किस राज्य ने उनके खिलाफ FIR दर्ज किया? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र पुलिस उनके घर पहुंची। महाराष्ट्र पुलिस ने यह भी कहा कि जो भिवंडी पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ मामला दर्ज है, हमारे पास उनको गिरफ्तार करने के तमाम सबूत मौजूद हैं। मगर नुपुर शर्मा उड़नशू हो गए, गायब हो गए। ऐसा ही केस उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में भी दर्ज है, मगर ऐसा केस दर्ज हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव ठाकरे ने हमेशा यह प्रमाण देने का प्रयास किया कि हम इस राज्य में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने देंगे, लोगों को दोफाड़ नहीं करने देंगे, नफरती सियासत को पनपने नहीं देंगे। उन्होंने लगातार इस बात का प्रमाण किया। अब मैं बात करता हूं अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत को जो टारगेट किया गया। सबसे पहले कंगना रनावत की बात करते हैं। कंगना रनावत का जिस तरह से ऑफिस का एक हिस्सा BMC ने बुलडोजर के जरिए ढाया, मैंने खुद उसकी कड़े शब्दों में आलोचना की थी दोस्तों, और फिर अदालत ने भी की, यह गलत था। मगर कंगना रनावत की एक और पृष्ठभूमि थी। कंगना लगातार उद्धव ठाकरे के बेटे पर निशाना साध रही थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। यही नहीं, रिपब्लिक न्यूज लगातार इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो डाल रहा था, या कम से कम इनका प्रचार तंत्र डाल रहा था कि इस हत्या के पीछे कथित तौर पर आदित्य ठाकरे का भी हाथ है। इस तरह की बातें, इस तरह की मनगढ़ंत बातें की जा रही थी। और आज करीब 2 साल हो गए दोस्तों, ना CBI कोई प्रमाण पेश कर पाई है। एम्स ने जो मेडिकल जांच की थी उसमें भी कुछ अनाप शनाप सामने उभर कर नहीं आया है। बावजूद इसके महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। देश की संघीय ढांचे की धज्जियां उड़ाते हुए बिहार पुलिस मुंबई पहुंच जाती है और अपना काम करती है, मगर उनके काम में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह कि न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार पर बल्कि इनकी पालतू मीडिया ने उनके बेटे पर निशाना साधा। अब इसके बाद आप एक पिता की क्या प्रतिक्रिया सोचते होंगी? मैं फिर कहता हूं, जब आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हो तब आपको एक पिता के तौर पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। मगर क्या उस मीडिया ने शालीनता और गरिमा की हदों को लांघा? क्या उन्होंने झूठ नहीं बोला? क्या उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर झूठा प्रचार नहीं चलाया? क्या यह हकीकत नहीं है? क्या इन बातों की चर्चा नहीं की जानी चाहिए? यह सब होता रहा। जिस पत्रकार को 1 हफ्ते तक जेल में रखा गया था, क्यों रखा गया था? क्योंकि उसकी वजह से उस पर आरोप था कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की। उसके खिलाफ 2 चार्जशीट दाखिल किए गए। उसकी व्हाट्सएप में बातचीत में बात सामने उभर कर आई कि जब पुलवामा में हमला हुआ था और हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, तब इस आदमी ने कहा था, वी वन लाइक क्रेजी। अरे, भारतीय जवानों की मौत हुई है, फिर एक न्यूज चैनल ऐसा कैसे दावा कर सकता है कि हमारी जीत हुई? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें TRP बेहतरीन मिली, तब तुम ऐसे दावे करोगे? ये सब कुछ मुंबई पुलिस की चार्जशीट में था अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। TRP घोटाला, व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का आरोप। मगर हकीकत यह थी कि अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का एक अहम हिस्सा था। जाहिर सी बात है, नफरत लाजमी थी। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधना बहुत जरूरी था। इसके अलावा जब शिवसेना BJP के साथ थी, तब से ही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश जारी थी। और क्या कोशिश थी? कि शिवसेना के प्रभाव को कम किया जाए।
भारतीय जनता पार्टी ही सही मायने में हिंदुत्व की ठेकेदार बन जाए, आज भी जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना को खत्म कर दिया जाए, आपको क्या लगता है एकनाथ शिंदे दो तिहाई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो भी जाएं तो वो शिवसेना थोड़ी ना रहेंगे? ये लोग चाहते हैं शिवसेना खत्म हो जाए ताकि महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ बीजेपी ही हिंदुत्व की ठेकेदार बन जाए और उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का एक नया चेहरा सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नफरत ना हो, जिसमें आपसी भाईचारा हो। इन तमाम चीजों से डरती है बीजेपी, इन तमाम चीजों से भारतीय जनता पार्टी को एलर्जी है, आपत्ति है, इसलिए वो उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर मॉब लिंचिंग की वारदातें आपको ढेरों नहीं मिलेंगी, या कम से कम ऐसे नेता नहीं मिलेंगे जो मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दें। हां, एक बदनुमा दाग है उद्धव सरकार पर, पालघर लिंचिंग्स। पालघर लिंचिंग में महाराष्ट्र पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही और साधुओं को भीड़ ने लिंच कर दिया। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं, दो बातें। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जिन लोगों ने लिंच किया उनमें से आरोपी नंबर 61 और आरोपी नंबर 65 दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। क्या कह रहे हैं वो, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर, स्टेट कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सचिन सावंत सेड ईश्वर निकुले एंड भाऊ साठे लिस्टेड एज अक्यूज नंबर 61 एंड 65 रिस्पेक्टिवली आर ऑफिस बेयरर्स ऑफ बीजेपी दहानु मंडल यूनिट इन पालघर डिस्ट्रिक्ट। यही नहीं, एक और सीधा सा सवाल है और उसका जवाब बीजेपी दे दे, जिस गांव में लिंचिंग हुई उस गांव का सरपंच कौन है, वहां पर किस पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग से पंचायत चल रही थी पिछले 10 सालों में? देखिए, आपने अपने पालतू मीडिया के जरिए यह प्रचार कर दिया कि इसकी जिम्मेदार बीजेपी नहीं है, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि आरोपी नंबर 61 और 65 पर सवाल है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, सरपंच पर सवाल हैं, उस गांव की पंचायत पर सवाल हैं। इन सवालों के जवाब ना बीजेपी देगी ना मीडिया कटघरे में रखेगी, मगर इन तमाम चीजों के बावजूद उद्धव ठाकरे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, उनकी पुलिस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। मगर फिर भी आपको उद्धव ठाकरे का कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो इन लिंचिंग्स को जायज ठहराए। भारतीय जनता पार्टी तो वो पॉलिटिकल पार्टी है कि जम्मू के अंदर एक 8 साल की मासूम की हत्या होती है गैंगरेप के बाद, और फिर जो लोग पकड़े जाते हैं उस गैंगरेप मर्डर में उनके पक्ष में बीजेपी के ये दो नेता रैलियां निकालते हैं। इन तमाम चीजों से क्या बीजेपी मुंह मोड़ सकती है? भारतीय जनता पार्टी बार बार भड़काऊ बयान देने वाले बलात्कारियों और उनके पक्ष के अपराधियों के पक्ष में खड़ी नजर आती है। क्या उद्धव ठाकरे या उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने या उनके खेमे ने कभी ऐसा किया? इसलिए बीजेपी उद्धव ठाकरे से नफरत करती है। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।